ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली मैं बहुत टाइम से मैं बनाने का सोच रहा था, और बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि यार कोई ना कोई एक एक पोर्टल एक्चुअली होना चाहिए या एक ज़रिया होना चाहिए। खैर ये सब बातें बाद में करते हैं, पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। बेसिकली तो मुझे आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत खुशामदीद। मैं डॉक्टर इरफान खान, मैं बेसिकली मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो दैट इज़ फ्रॉम यूपी बोर्ड, यूपी का रहने वाला हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट बरेली से। और डिस्ट्रिक्ट बरेली में जो तहसील आंवला वहाँ से रहने वाला हूँ। और मेरा जो बेसिक स्कूलिंग है वो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से है। उसके बाद में बीटेक जो मैंने है वो एलपीयू से किया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके बाद एमटेक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करने का। एंड उसके बाद पीएचडी भी मेरी वहीं से है, दैट इज़ बोथ एमटेक एंड पीएचडी इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही। उसके बाद फिर मैं अच्छा, ये जो तमाम बातें हैं जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे के जो लेक्चर्स हैं, आगे की जो बातें हैं, आगे का जो समय है, उसमें तो हम तमाम तरीके की बातें करेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सफ़र जो है वो चाहे ज़िंदगी का हो या सफ़र जो है वो टीचिंग का हो, है ना, अगर पास वाली सीट पर बैठा हुआ शख्स जो है, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो पास वाली सीट पर बैठा हुआ कुछ शख्स है, अगर उससे आप उसे जानते नहीं हैं, है ना, आपकी उससे जो है वो मुखातिबात नहीं है, जान पहचान नहीं है, तो सफ़र बड़ा नीरस कटता है ना। तो इस सफ़र की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जो ये ज़ीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जो मैं आपसे मुखातिब होने जा रहा हूँ हमेशा के लिए इंशाल्लाह, और बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंस के थ्रू, और ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो मैंने गुरुजनों से सीखा है, वो तमाम चीज़ें वो जो है अब मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि वो तमाम बातें हम लोग करें, तो इससे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में, ताकि आप मुझे जान जाएंगे, मैं तो आपको धीरे धीरे जानता रहूँगा। तो मेरा बीटेक जो है वो एलपीयू से है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि अमंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट एक रेनाउंड इंस्टीट्यूशन माना जाता है। और पीएचडी से मैंने बताया आपको, मेरा एएमयू से है, एएमयू विच इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद डीयू, जामिया मिल्लिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बड़े बड़े जो नाम हैं उसी में एक है। उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली एक अलीगढ़ में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने जॉब की कुछ एक 5-6 महीने के लिए, और उसके बाद में फिर एंट्री हो गई भाई साहब कोरोना की, है ना। मतलब चाइना के वुहान सिटी से मिस्टर कोरोना की एंट्री हुई, और उसने बड़े बड़े एचओ का जो है वो मतलब स्टैटिस्टिक्स बिगाड़ दिया, है ना। मतलब वही हुआ कि जाना था रंगून और पहुंच गए चून, मतलब कोई बेचारा कहीं जा रहा था कहीं पहुंच गया, है ना। और बहुत से तो ऐसे थे, ना जाने बहुत से तो ऐसे बल्कि लाखों में लोग ऐसे थे जो, समझ रहे हैं आप, तो समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो खैर बहुत बुरा वक्त था, तो वो वक्त जो है सबने देखा है, वो खुदा ना करे ऐसा वक्त किसी की ज़िंदगी में लौट कर आए, और उस वक्त ने न जाने कितने लोगों के, कितने अपनों के अपने छीन लिए, है ना। तो ये मालिक से दुआ है कि ऐसा वक्त कभी ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि लोग जो है वो बीमारी से कम मरे हैं, हालांकि मरे हैं बहुत ज़्यादा, और भुखमरी से ज़्यादा मरे हैं, रोज़गार की कमी से ज़्यादा मरे हैं। तो सारा का सारा जो है वो इकॉनमी जो है वो अस्त व्यस्त हो गई एक्चुअली। उसके बाद फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं देने का, वहाँ पर मैं लगभग 1 साल रहा। तो 1 साल के एक वक्फे के लिए, टाइम पीरियड के लिए मैं वहाँ पर मैंने अपनी सेवाएं दी, मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी वहाँ पर रहा, एज ए गेस्ट फैकल्टी मैंने वहाँ पर काम किया। और वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी करके है, बीटेक होता है, एमएससी होता है, और एमटेक होता है वहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद फिर मेरा जो स्थानांतरण है वो मेरा देहरादून के लिए हुआ। वहाँ पर तमाम जो है चीज़ें हुई ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें देखी, नए नए लोगों से मुलाकात हुई और नई नई चीज़ें सीखने को मिली, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ज़िंदगी पे। इंसान हमेशा सीखता ही है यार, कहीं भी इंसान चला जाए, अगर उसकी जो जस्तजू जो है सीखने की है, अगर उसकी लगन सीखने की है, तो कहीं भी जाएगा वो सीखेगा, है ना। तो ये तमाम बातें रहीं। उसके बाद से मैं अभी प्रेजेंटली जो वर्तमान समय में मैं काम कर रहा हूँ, इटरनल यूनिवर्सिटी है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश लगता है, जस्ट ये नियर एक बॉर्डर सा है उत्तराखंड का।
यहाँ मैं काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी में। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो असल में ये जो चैनल बनाने का जो एक रीज़न है, कारण है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो प्राइम रीज़न है ये चैनल बनाने का, वो पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है सबसे पहली बात। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं अपने दोस्तों से, अपने कलीग से और तमाम जो मेरे शोबे से हैं, जो मेरे सेम फील्ड से हैं, तो उनसे अक्सर मैं बात करता था कि यार ये देखता था कि जो गिरावट आई है, समझ रहे हो, ये गिरावट जो आई है एजुकेशन के अंदर, हम हमेशा जो पॉइंट आउट करते हैं कि यार वहाँ पर वो सही नहीं पढ़ाता है, वहाँ पर वो सही नहीं पढ़ाता है, वो प्रोफेसर हैं वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। तो मैं ये सोचता था कि यार हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जो है नुक्ताचीनी बड़ी आम है, हमारे यहाँ कमियाँ बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। अगर आप एक एक पेपर पे, ए फोर शीट पर कुछ लिख के टांग दें ना कहीं पर, या किसी बस स्टैंड पर लगा दें, या आप किसी भी जो है रेलवे स्टेशन पर लगा दें, तो बड़ी ही आसानी से उसमें लोग कमियाँ मार्क करके चले जाएंगे, टिक करके चले जाएंगे। आप लिख दो भाई कमियाँ बता दो, है ना, उसके अगले दिन अगर आप ये बोलोगे ना कि भाई साहब इसमें जो है करेक्शन, इसमें इसको सही कर दो, कोई नहीं करेगा सही। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कमियां निकालने में, और बल्कि दुनिया में ही ना, ये दुनिया का दस्तूर है कि लोगों की कमियां निकालने में माहिर होते हैं। तो मैंने भी ये सोचा यार कि जो लोग बाकी सब लोग कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूँ, है ना, जो लोग जो है दूसरे लोगों की कमियां निकाल रहे हैं मैं भी कमियां निकाल रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा यार क्यों ना बजाय इसके कि कमियां निकाली जाएं, तो क्यों ना एक समाधान, एक सोल्यूशन पेश किया जाए, है ना, क्यों ना वो हम जिन एकेडमिया में जिन चीज़ों को हम टारगेट करते हैं कि यार लोग अच्छी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, और हालांकि बहुत सारे रीज़न्स हैं और आपको जान के हैरानी होगी, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत सारे लोग हो सकता है आप भी जानते हो, प्राइवेट कॉलेजेस ने इतना बुरा हाल किया हुआ है एजुकेशन का। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानता हूँ, मेरे ख्याल से उनका नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा, वो गलत बात होगी, जिन्होंने बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया हुआ है जिनका 12th में जो है वो कॉमर्स है। अब बताइए आप, मतलब जब पहली बार, व्हेन फर्स्ट टाइम आई केम टू नो दिस नॉलेज एंड दिस इन्फॉर्मेशन, कि यार वो बच्चे जिनका 12th में कॉमर्स है और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, तो भैया उसका क्या होगा, वो इंडस्ट्री में अगर जाएगा तो ठीक है, किसी ने जुगाड़ वगैरह से करवा के इंडस्ट्री में करवा दिया, अगर वो टेक्निकल स्किल वगैरह सीख गया, लेकिन इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। उससे हमें अक्सर यही सवाल पूछा जाएगा कि आपने 12th कॉमर्स में किया है तो आपने अपनी फील्ड में ट्राई क्यों नहीं किया, आप फूड टेक्नोलॉजी में क्यों आ गए। भाई फूड जो है वो बेसिकली क्या है, फूड एक बायोकेमिकल एंटिटी है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम है फूड। मतलब एक बंदा जिसको आपने एडमिशन दिया हुआ है बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो 3 साल तक या 4 साल तक वो आपका पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम स्टडी करेगा, है ना, वो जो है उसमें फिजिक्स अप्लाई करेगा, उसमें केमिस्ट्री अप्लाई करेगा, उसमें इंजीनियरिंग साइंस अप्लाई करेगा, मैथमेटिक्स अप्लाई करेगा, एंड दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ फूड साइंस इज, यही परिभाषा है इसकी, समझे। तो अब वो बंदा जिसने 12th कॉमर्स से किया हुआ है, तो वो कैसे, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता, तो मैं बड़ा ही जो है मैं उदास हुआ था इन सब चीज़ों को देखकर। तो वही है कि प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह क्या हैं, वो बस उन्हें बस पैसे चाहिए, है ना, उनको आप पैसे दे दो और आप भले चाहें, इवन ये भी होता है वहाँ पर अटेंडी नॉन अटेंडी करके होते हैं, है ना, मतलब आप जो है अगर पैसे ज़्यादा दे दो तो आपको कॉलेज भी नहीं जाना है, बस एग्ज़ाम देने आओ आपकी डिग्री हो जाएगी, मतलब अथाह हद मचा रखी है, मतलब है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, शायद वो जो शब्द उनके लिए बोलने के लिए हैं, बने हैं, वो ऐसे अमर्यादित शब्द हैं जिसको इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलना मेरे लिए जो है एक्चुअली वो एक मर्यादा की बात नहीं होगी, है ना, तो शायद मैं इसलिए नहीं बोल पाऊँगा। तो खैर जो भी है, तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो है मैं अपने दोस्तों से लगातार डिस्कस करता था कि यार एक चैनल होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए और हमें आना चाहिए। तो फिर मैं बहुत टाइम सोच रहा था, और अक्सर फिर मुझे किसी ने कहा कि यार तुम सोचते बहुत हो यार, है ना, लोग कह रहे थे कि आप जो है सोचते बहुत हो, तो मैंने कहा यार हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं सोचता बहुत हूँ, है ना, प्लान करता रहता हूँ, एग्जीक्यूशन में दिक्कत होती है, हालांकि एग्जीक्यूशन मैं करना चाह रहा था बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको जो है वो अमल में नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब खैर आया, तो मैं ये जो बहुत सारे एमिनिटीज़ भी नहीं, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके आपके लिए, ये अपने मोबाइल से ही मैं ये कैप्चर कर रहा हूँ, है ना, तो
खैर वो बाकी की बात है। तो मेन रीज़न यही था कि बेसिकली आपके सामने आने का और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, मतलब लोग हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, होंगे भी, मैं नहीं जानता हूँ। और हाँ, कुछ जिनको मैं जानता हूँ जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं, और बहुत सारे चैनल वगैरह भी होंगे। तो मेरा जो कंसेप्ट था इन सब चीज़ को शुरू करने का, वो यही था कि यार कि एक ऐसा चैनल हो कि एटलीस्ट जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। क्योंकि जिस तरीके से जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ है ना, जिस तरीके से जो बनियाकरण हुआ है ना, बनियाकरण का मतलब, मैं या ये कोई जाति का शब्द नहीं, बनियाकरण का मतलब कॉमर्शलाइजेशन, मतलब अपने मुनाफे के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। आप मतलब कुछ भी कर लो, है ना, वो उनको बस मुनाफा मिल जाए, वो मुनाफे के लिए कुछ भी करेंगे, यही सब चल रहा है मार्केट के अंदर। तो वही था कि यार ज़िंदगी में अगर आए हैं तो मतलब पैसा तो क्या है, वही है ना कि पैसा कमा लेंगे, है ना, पैसा कमा लेंगे उसके बाद क्या, घर एक नया बना लेंगे उसके बाद क्या, है ना, हवाई जहाज़ चाहिए हवाई जहाज़ नया ले लेंगे उसके बाद क्या, है ना, तो उसके बाद क्या है, मतलब आखिर में तो जाना ही है ना, है ना। वो कहते हैं ना कि क्या एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक गाना है पुराना कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो भाई मेरे, जब जाना है तो जाने से पहले कुछ ना कुछ काम कर जाओ, कुछ काम कर जाओ, कुछ भला कर जाओ, है ना। जो आपने ज्ञान लिया है, जो जो मैंने ज्ञान लिया है, जो मैंने अपने गुरुजनों से, जैसे मैंने बताया कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे गुरु बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मिले हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे गुरु मिले हैं, मेरा सौभाग्य रहा है। तो वो सब सब चीज़ें जो मैंने उनसे सीखी हैं, जो मैंने अपने तजुर्बे से जो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, मैं उन्हीं सब चीज़ों को जो है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं इस फिलॉसफी में विश्वास रखता हूँ, बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन का डेड एंड नहीं होना चाहिए, है ना, एजुकेशन का डेड एंड नहीं होना चाहिए। जो आपने सीखा है, हालांकि बहुत सारे लोग कंजूस भी मार्केट में हैं, बहुत सारे जिनको कुछ आ जाए तो वो नहीं, भले ही चाहे वो कुछ भी हो जाए वो नहीं बताएंगे किसी को, हर जगह होते हैं लोग ऐसे। और शायद इसी वजह से, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, ये जो चल रहा है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये मैं अपने मन की भड़ास निकाल रहा हूँ एक्चुअली, है ना, मैं आपको अपने अंदर की बातें बता रहा हूँ। बाकी जो हमारा जो सब्जेक्ट है फूड टेक्नोलॉजी का, फूड प्रोसेसिंग का, सारे करंट इश्यूज सब जितना भी जो होगा तमाम वो हम डिस्कस करेंगे करेंगे आगे जाके। तो असल में छिपाने का, बातें ना बताने का, इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन ना करने का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, जो मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल जो है एक परसेप्शन है, आयुर्वेदाचार्य को हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे पहले के हकीम होते हैं ना, कि अगर उनके पास बहुत ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के जो है वो उनके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन थी, सीक्रेट्स थे, कि ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ कि इवन कैंसर तक का इलाज। लेकिन क्या हुआ, हुआ ये कि उन्होंने बताया नहीं किसी को, चेला कोई बताया बनाया नहीं, चेला बनाया तो बन तो उसको मतलब अंदर से मुट्ठी भर के लाया, दे दिया। ब्रिटिशर्स क्यों आगे रहे, अमेरिकन क्यों आगे रहे, है ना, एक बड़ा ही छोटा सा सवाल जो मेरे मन में बहुत मेरे मस्तिष्क में गूंजता है और मेरे दिल में चुभता है। मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ, मेरे दिल में चुभता है। और वो क्या चुभता है कि मतलब नीट की जब काउंसलिंग होती है, तो अगर हम बात करें मेडिकल की डिग्रीज की, है ना, तो आयुर्वेदाचार्य में जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो क्या होती है, वो होती है BHMS की, ठीक है ना। और यूनानी में जो होती है वो क्या होती है, वो BUMS की, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी। एलोपैथी में जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है MBBS की। तो मेरे दिल में ये चुभता है कि यार हमारे भारत की जो डिग्री है, हमारे आयुर्वेदाचार्य की जो डिग्री है BAMS, वो उन बच्चों को मिलती है जो बहुत ही जो है हाई रैंकर होते हैं, मतलब लो रैंकर होते हैं, जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा होती है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, उनको MBBS मिलता है, उनको BDS मिलता है। तो मेरे बात ये चुभती है कि हमारे लोग, अगर हमारे लोगों ने चीज़ें लिखी ना हो, अगर वो लिख लिए होते उसको जो स्क्रिप्चर्स उसके फॉर्म में, उसको किताबों की फॉर्म में, उसको आर्टिकल्स की फॉर्म में अगर लिख लिए होते, किताबें बना ली होती, तो आज जो है वो टॉप क्लास रैंकर जो है वो MBBS नहीं ले रहे होते, आज टॉप क्लास रैंकर जो है ना वो BAMS ले रहे होते। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि वो जो टॉप क्लास की जो टेक्नोलॉजी, भले ही चाहे लोग कहते हो कि भाई आजकल जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, एडवांसमेंट जाहिर सी बात, मैं ही मानता हूँ एडवांसमेंट हो रहा है, मैं भी आई एम ऑल्सो द पर्सन ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले भी टेक्नोलॉजी थी, समझ बात, पहले भी टेक्नोलॉजी थी। तो और आयुर्वेदाचार्य की अगर बात करें, मगर दिक्कत क्या हुई, जो हमारे वैद्य साहब थे, जो हमारे हकीम साहब थे, वो तमाम फार्मूले को अपने अंदर जो है समा के ले गए, चले गए एकदम, बिल्कुल ना तो कहीं लिखा ना किसी को बताया,
और जो थोड़ा बहुत लिखा है वही थोड़ा बहुत आए मार्केट में मौजूद है ना। मतलब जो बहुत ही एकदम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज थी वो अपने अंदर ले गए, मतलब जो ऐसी थी कि वो अच्छा इसका इलाज कहीं से नहीं हो रहा है, हकीम जी आए उन्होंने मुट्ठी बंद करके दिया, लो जाओ खा लो जाओ हो गया काम। तो ऐसी जो दवाएं थी वो तमाम फॉर्मूले जो है वो अपने साथ ले गए। तो इसीलिए मैं आपसे जो कह रहा था कि कभी भी एजुकेशन के डेड एंड में विश्वास नहीं रखना चाहिए, एजुकेशन का डेड एंड नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ सीखी है या मैंने कोई चीज़ सीखी है तो मुझे पास ऑन करना चाहिए, बजाय इसके ये सोचे कि यार मैं बता दूंगा तो मेरा नुकसान, ना 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 ये सब नहीं, ये फिलॉसफी नहीं। देखो जो कुछ करने वाला है ना वो मालिक है, समझ रहे हो, जो कुछ देने वाला है वो मालिक है, रोटी खिलाने वाला पालने वाला सब वही मालिक है, इंसान कुछ नहीं करता यार। बड़े बड़े अच्छे ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है भटक रहे हैं, अभी नौकरी तक नहीं मिल रही उनको यार, सच बता रहा हूँ मैं आपको। कहाँ गई काबिलियत, कहाँ गई, सब निकल गई ना काबिलियत, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात पे विश्वास रखो, इस बात पे जो है वो बिल्कुल दृढ़ संकल्प रहो कि रोटी पानी देने वाला सब मालिक है, समझे, जो कुछ तुम्हें आता है, जो कुछ तुम्हें आता है और तुम्हें अगर मौका मिल रहा है सौभाग्य मिल रहा है तो लोगों को बताओ। और शायद इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म जो है मैंने स्टार्ट किया है, आपके समक्ष जो है वो हाजिर हुए हैं, और बिना आपके साथ के ये बड़ा ही मुश्किल है। जो भी जो सजेशन है, क्योंकि ये पहली मर्तबा है ये सब चीज़ें शुरुआत कर रहे हैं, तो जो भी सजेशन वगैरह होंगे आपकी तरफ से उन सभी का स्वागत रहेगा। इन सब के वीडियोज़ की क्वालिटी के रिगार्डिंग या मैटर के रिगार्डिंग, कॉन्टेंट के रिगार्डिंग जो भी सुझाव होंगे उनका जो है मेरी तरफ से स्वागत रहेगा हमेशा। तो ये तो एक बात रही कि जो आखिर मैं क्यों ये सब जो है स्टार्ट करना चाहता था, कि जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं चिल्लाना चाहिए, है ना, हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम चिल्ला रहे हैं, उसका समाधान भी करना चाहिए, है ना। तो सोल्यूशन जो है हमें ढूंढना चाहिए, और इसीलिए जो है यहाँ पर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये तो रहा मेरे एक बारे में थोड़ा सा एक आप देख रहे हो बार बार मैं ये पूछ रहा हूँ। असल में यहाँ पर जो माइक मैंने लगा रखा है वो माइक जो है वो फ़ैन ऑन करने पर बहुत ज़्यादा उसमें नॉइज़ क्रिएट हो रहा है। तो अब अगर नॉइज़ क्रिएट होगा तो जो बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो बात पहुंच नहीं पाएगी, तो मेन मकसद ही ख़राब हो गया ना। तो कोई गर्मी पड़ रही ना, कोई दिक्कत नहीं है, बर्दाश्त कर लेंगे यार, कोई मसला नहीं है, है ना, मर थोड़ी ना जाएंगे इतनी गर्मी में, है ना, हम तो यार यूपी वाले हैं, या यूपी में रह लेते हैं या हिमाचल में, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। तो बस इसीलिए ताकि जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव हो जाए, है ना, बढ़िया वाला हो जाए एकदम, बिल्कुल मलाई मार के, है ना। तो खैर ये एक बेसिक मेरे बारे में रहा कि मेरा जो भी मेरी स्कूलिंग है, जो मेरी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, बीटेक एमटेक पीएचडी, और मेरा जो एकेडमिक जर्नी है। अब हल्का सा बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फूड टेक्नोलॉजी के बारे में एक मैं थोड़ा सा पानी हल्का सा ले लेता हूँ। तो फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिकली आखिर क्यों ज़रूरी है फूड टेक्नोलॉजी, है ना। अभी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने ट्वेल्थ किया है या जिन्होंने जो है वो सिंपल जो है वो साइंस में, लाइफ साइंसेज में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, मतलब मैं हैरान हूँ कि मैंने हिमाचल में बहुत सारे बच्चों को पर्सनली मैंने उनको कॉल किए हैं, कॉन्टेक्ट किए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उनको पता ही नहीं है फूड टेक्नोलॉजी के बारे में, समझ रहे हैं आप, मतलब दे डोंट नो व्हाट इज़ द फूड टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। तो भैया जब पता ही नहीं होगा तो एडमिशन कौन लेगा भाई। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में मान लो कोई एक जो है एक टेबल लगा ले बढ़िया वाला, उस पर तश्तरी बिछा ले, और कोई एक नया प्रोडक्ट रख ले और बेचने लगे कि भाई 10 रुपए के दो, 10 रुपए के दो, 10 रुपए के दो, 10 रुपए के दो। भले ही वो 10 रुपए के दो हों, लेकिन जब इंसान जाएगा वहां पर चौंचा के देखेगा कि यार ये है क्या, है ना। तो बस 10 रुपए के दो तभी तो लेगा भाई, जब वो पूछेगा भाई इसका होता क्या है। आप कहोगे इससे जो है इससे दांत साफ होते हैं, 10 रुपए का दो है, तो उसके समझ में आएगा तो ले लेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। जो एक सबसे मेन जो नुक्ता है, जो पॉइंट है, वो ये है कि अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जागरूकता नहीं है फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। और शायद यही रीज़न है कि अगर आप देखोगे ना, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो फूड टेक्नोलॉजी बेसिकली जो है वो जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में डिपार्टमेंट है,
और यूपी में HBTI जो हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो आपकी हालांकि यूनिवर्सिटी हो गया है वहाँ भी है, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, वहाँ बीटेक एमटेक पीजी सारा होता है। और भी बहुत सारी जगह प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में है, अब तो आ गया है, लेकिन अभी भी वो जागरूकता नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इफेक्टिवली काम नहीं हो रहा है ना। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं अक्सर बच्चे बोलते हैं कि यार MSc कर ली, अब मेरे पास फ़ोन आते हैं बहुत सारे, मेरे बच्चे हैं जो कुछ प्राइवेट कॉलेज वगैरह से लिंक्ड वगैरह हैं कि सर वो हमने MSc कर लिए हैं और हमारी जॉब नहीं लग रही है, MSc कर लिया है हमारी जॉब नहीं लग रही है, BSc फूड टेक्नोलॉजी में कर लिया है जॉब नहीं लग रही है। तो यार एक सीधी सीधी बात है कि जॉब इसलिए नहीं लग रही है कि असल में पहली बात तो ये जो अगर इसको हटा दिए जो जो क्रैश हुआ है कोरोना की वजह से, ठीक है, ये तो सभी इसका जो प्रभाव है सभी सेक्टर पर पड़ा है, कोई एक सेक्टर नहीं है जिस पर इसका असर पड़ा हो, सारे सेक्टर्स पर इसका असर पड़ा है। तो असल में बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके मेरे पास फ़ोन आए, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स वगैरह इंडस्ट्री में, तो मैंने उनसे बात भी करी, तो मैंने उनको उनका पर्सनल मैंने इंटरव्यू थोड़ा सा लिया, तो मतलब यू वोंट बिलीव कि उनको फूड साइंस का, फूड टेक्नोलॉजी के जो बेसिक्स थे उन बच्चों को पता ही नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे बेकार हैं, ना ना ना, बच्चे बेकार नहीं हैं, बच्चे बेकार हैं, लेकिन जिस कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था, जिस कॉलेज में उनको लंबे लंबे वादे करके एडमिशन दिया गया था, उस कॉलेज में उनको सिखाया ही नहीं गया। सिखाया क्यों नहीं गया? सिखाया इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पर जो है वो 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में, है ना, वो PhD होल्डर मांगते हैं, तो 20-25 हज़ार में कौन आएगा? वही आएगा ना, है ना, वही आएगा ना जो ऐसा उसको बेचारे को कहीं जहाँ नहीं मिल रही वो आ जाएगा, या फिर कुछ मजबूर लोग होते हैं जिनमें कुछ अच्छे भी आ जाते हैं, है ना। तो वही कहते हैं ना कि एक बड़ी पुरानी सी कहावत है बचपन में सुनी थी कि वो कि भैया के 10 रुपये अगर दोगे तो, मतलब हम तो यही पढ़ाएंगे बच्चों को कि 10 रुपये अगर दोगे कि पृथ्वी जो चपटी होती है ना। तो उसके उसके फादर साहब जब पहुँचे स्कूल के, हेडमास्टर साहब, भैया हमने तो सुना था कि पृथ्वी जो है वो गोल होती है, तो कहा कि भैया ऐसा है 10 रुपये दोगे तो चपटी ही होगी, 20 रुपये दो तो गोल हो जाएगी, तो ये चल रहा है मार्केट में, समझ रहे हो। तो अब मान लो आप पैसा नहीं दोगे और इस पर कोई शिकंजा नहीं है, मतलब इस पर कोई जो है ऊपर जो हायर अथॉरिटी हायर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं है, हालांकि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी किसी स्टेट में मैंने देखी नहीं है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, होना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये मेरी बात अगर जो जो भी लोग सुने जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि ताकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन वो अपनी मनमानी ना करें, मतलब वो जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके भविष्य से खेल रहे हैं। तो एक ऐसा एक प्रावधान बनना चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, ताकि उनकी सैलरी जो है फिक्स हो जाए, है ना, मतलब वो अपनी मनमानी ना कर पाए, वहाँ भी चीज़ें होना चाहिए। तो खैर ये एक अलग इशू है। तो कुल मिला के फूड टेक्नोलॉजी ज़रूरी क्यों है? इसको समझने के लिए बस इतना समझना काफ़ी है कि रोटी कपड़ा और मकान नीड के, जो हमारा जो ज़रूरत है बेसिक नीड जो है उसके पिरामिड को अगर आप देखोगे ना, उसके पिरामिड में टॉप क्लास पर सबसे ऊपर उसके पिरामिड में क्या होता है? सबसे ऊपर उसके पिरामिड में होता है खाना, सबसे पहले। अगर खाना ही नहीं होगा तो कहानी खत्म, तभी तो जिंदा रहेगा, और जब जिंदा रहेगा तभी तो कपड़े पहनेगा, और जब कपड़े पहनेगा जिंदा रहेगा तभी मकान मकान की ज़रूरत पड़ेगी। तो रोटी कपड़ा और मकान अगर इसकी क्रोनोलॉजी देखें तो रोटी सबसे पहले है, तो रोटी सबसे पहले। अभी मुझसे कोई कह रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि वो फूड टेक्नोलॉजी जो है वो बेटर फील्ड नहीं है यार, उसमें बच्चों को किसी कोई किस मिसगाइड कर रहा था किसी को, तो उसमें एडमिशन लेना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि हम फूड टेक्नोलॉजी की वकालत नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में फूड टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि फूड टेक्नोलॉजी मेन है, भाई फूड ही तो मेन है। हालांकि सारी जो ब्रांचेज हैं उनका अपना अपना रोल है, सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक इंजीनियरिंग है, आपकी जो है CS है, RT है, तो सबका रोल है यार, है ना, वो कहते हैं ना साथ ही हाथ बढ़ाना, तो सबका सबका जो समावेश होना चाहिए, है ना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो सबका है यार, किसी एक का नहीं है। तो लोग अपने अना में, एटीट्यूड में अपने बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाते हैं, तो उसकी वजह से दूसरी ब्रांचेस को जो है वो अछूता करने लगते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि दम होना चाहिए, अगर आपके अंदर दम है ना तो आपको कोई हिला नहीं सकता है, आप कहीं चले जाओ और आप अपनी मंजिल पाकर रहोगे अगर दम है आपको। मेरे एक टीचर थे, उनका मुझे नाम याद नहीं रह गया यार, नाम अगर याद होता तो मैं आपको नाम भी लेता उनका मैं, तो वो कहते थे कि भले ही आप चाय की दुकान खोलो, ठीक है,
आप भले ही चाय की दुकान खोलो, और वो चाय की दुकान आप कहाँ जंगल में जाके खोल लो आप, ठीक है, जब लोगों को ये पता लगेगा ना कि आपने जो चाय की दुकान खोली है ना वो बहुत बढ़िया है, मतलब आप चाय बहुत बढ़िया बनाते हो, क्वालिटी ऑफ चाय बनाते हो, तो मैं सच बता रहा हूँ, भले ही चाहे वहाँ पर रिसोर्सेज ना हो जाने के, लोग कैसे ना कैसे जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, वो चाय पीने जाएंगे, सच बता रहा हूँ मैं, क्वालिटी इतनी बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपसे जो है वो इंटरेक्ट करने का, आपके रूबरू होने का जो एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं, मेरी तरफ से जो कोशिश रहेगी या आगे जाके जो हमारे जो लोग और भी जुड़ेंगे, ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ज़ीरो लर्निंग एकेडमी का एक जो प्रयास रहेगा वो प्रयास यही रहेगा कि आपको क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए। और देखो नॉलेज मेन होती है, नॉलेज इज़ द अल्टीमेट थिंग, अगर एक बार नॉलेज हो गई ना आपको तो फिर कोई मतलब नहीं, कोई आपको नहीं बुली कर सकता, आप कहीं भी चले जाओ आपको हर जगह जॉब मिल जाएगी, जॉब नहीं मिलेगी आप अपना कर लोगे, नॉलेज मेन होती है। वो कहता है ना कि थ्रेडिंग में कि एक डायमर बड़ा ही मशहूर डायलॉग है कि काबिलियत की तरफ भागो, है ना, कामयाबी की नहीं, अगर आप काबिल बन जाओगे तो कामयाबी तो आपके पीछे आएगी ही आएगी, हर हाल में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलेंस होना चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो PhD किए हुए हैं और नॉट इवन दिस फूड टेक्नोलॉजी बल्कि और दूसरी फील्ड्स में भी, और उनको कुछ नहीं आता है, वो जाते हैं और जाके बच्चों को दर्शन दे के चले जाते हैं, बच्चे उनका दर्शन कर लेते हैं, आरती उतार लेते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, क्योंकि कॉलेजेस को सीटें भरना होती हैं अपनी, हालांकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे मशहूर फेमस लोग हो गए हैं, तो बहुत लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि वो सारे बच्चे जो रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ से बिलोंग करते हैं और वो शहरों को नहीं जा सकते हैं, उनके पास जो है व्हीकल्स नहीं हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो कम से कम अपने घर पर बैठ के मोबाइल रिचार्ज करवा के वो तमाम जो नॉलेज है वो अपने मोबाइल पर ही घर पर बैठ कर उसको ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि एक अपने एफर्ट से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ज़ीरो लर्निंग एकेडमी के, कि आपको एक बहुत ही विश्वसनीय और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए कि जिस पर आप विश्वास कर सकें। और हाँ, ये मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ही आपको से बात कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को फूड टेक्नोलॉजी या प्रोसेसिंग फूड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स वगैरह, या वो PhD के स्कॉलर हैं, BTech कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी वो 100% जो है वो रिलायबल होगी, विश्वसनीय होगी, आप उस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल भी इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब हम जो डिस्कस करेंगे वो अपनी बात डिस्कस करेंगे, है ना, हम जो है वो किसी की अवहेलना, किसी की आलोचना यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ख़राब बात होती है, है ना, हमें बस जो है वो अपना काम करना है, अपनी ईमानदारी से करना है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है, है ना। तो बेसिकली फूड टेक्नोलॉजी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ज़रूरी क्यों है, अगर आप देखोगे ना, जैसे मैं कह रहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी सबसे अहम है, तो आप अगर देखोगे मार्केट में, मार्केट इज़ फ्लडेड, कम्प्लीटली फ्लडेड विद द प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स, नॉट इन द प्रोसेस फूड। पहले मैं जब ग्रेजुएशन वाले स्टेज में था तो मैं सोचता था यार प्रोसेस फूड प्रोडक्ट की जब बात आती है तो सिर्फ ये जो है आपका जो आपके जो बिस्किट्स हैं, है ना, कुकीज़ हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मैं इसी को प्रोसेस फूड प्रोडक्ट समझता था, है ना। जब पता चला, वो कहते ना कि जो कम नॉलेज होती है, कम जो इल्म होता है, कम एजुकेशन होती है, बड़ी ख़तरनाक होती है, है ना। फारसी में कहावत है, नीम हकीम खतराए जान, है ना, कि भैया हकीम साहब के पास गया कि हकीम साहब जो बुखार आ गया नीम के पत्ते खा लो, हकीम साहब बुखार आ गया शीशम के पत्ते खा लो, है ना, हकीम साहब सर में दर्द है नीम के पत्ते खा लो, मतलब उनको ज़्यादा तो इल्म है नहीं, ज़्यादा तो नॉलेज, नीम का मतलब होता है कम, है ना, तो नीम हकीम खतरा जान, तो ऐसे हकीम जिनको कम नॉलेज है उनसे बचना चाहिए इलाज कराने से। और ऐसे टीचर, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है मैं देख रहा हूँ, कि वो लोग जिनका वो पर्टिकुलर फील्ड जो है उनका एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, वो भी जो है दौड़ा रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से दौड़ा रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, एक वो शख्स जो है वो
अपनी क्षमता अपनी कैलिबर के आधार पे पढ़ा सकता है। मैं फूड टेक्नोलॉजी का हूँ, मैं अगर पढ़ लूँ, और मेरे ख्याल से आप में सभी जो है सारे के सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो अपने किसी न किसी स्टेज में आफ्टर ग्रेजुएशन पहुँच गए हैं, वो सभी लोग कुछ भी पढ़ के पढ़ा सकते हैं यार। एक बीटेक का मैकेनिकल का बंदा, एक बीटेक का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा, एक बीटेक का सीएस का बंदा जो है वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेके, ज्योग्राफी भूगोल जो है वो इतिहास लेकर जो है वो आईएएस क्वालिफाई कर सकता है, तो उसको नॉलेज नहीं होगी? तो क्या अगर वो आईएएस क्वालिफाई कर सकता है, आईएएस में रिटेल लिख सकता है, तो क्या पढ़ा नहीं सकता है? तो अगर एक इंजीनियर जो है वो इतिहास पढ़ा सकता है वो जो भूगोल पढ़ा सकता है, वो तमाम जो ह्यूमैनिटीज से सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, कुछ भी पढ़ा सकता है, तो वो सब चीज़ें अलग हैं। तो असल में टेक्निकल फील्ड में क्या है, टेक्निकल फील्ड में जो इस फील्ड से होता है वो उस फील्ड से होता है, वो उसका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है ना, वो नोबडी कैन मैच हिम और हर, है ना। तो बेहतर ये है कि इसीलिए मैं ये, भले चाहे आप कहीं भी गो थ्रू कर रहे हो, तो एक मेरा सजेशन आपको ये है कि आप कहीं भी किसी से जो है कोई पढ़ो, किसी से डिस्कस करें, आप पढ़ाई करें, किसी से समझें, तो हमेशा उसी से समझें कि जो उस फील्ड का माहिर है ना, जो जो फील्ड का एक्सपर्टीज़ रखता है उस फील्ड में, उसी से आप पढ़ें। ऐसा नहीं कि किसी को हल्का सा आता है, अरे वो भैया को आता है, लाओ या पढ़ लें, पढ़ा दें जाके। इन सब चक्कर मत पढ़ना, अगर इन सब चक्करों में पढ़ोगे तो सीखोगे तो है ही, जाहिर सी बात है, लर्निंग तो होगी 10%, 5%, 15%, 20%, मगर वो चीज़ें जो फील्ड का बंदा तुम्हें बता के चला जाएगा वो कोई नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर, फूड टेक्नोलॉजी जो है ज़रूरी इसलिए मैं बता रहा था कि दुनिया के अंदर देखो दो तरीके की इंडस्ट्री है, एक तो फूड इंडस्ट्री है और दूसरा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। या तो इंसान खाना खाएगा, सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉय काम करते हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉय काम करते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, है ना। ज़्यादातर आप देख लो, आप मार्केट जो है वो फ्लडेड है हर कहीं, चाहे प्रोसेस फूड की बात कर लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, लिमका ले लो, बहुत सारे बेवरेजेस मार्केट में, बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, ना जाने कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में बिखरे पड़े हुए। तो ये क्या हैं, ये सारे के सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं। चावल है, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स है, दाल है, प्रोसेस्ड है, आटा है, प्रोसेस्ड है, सारे के सारे प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स हैं, है ना। मैं बोल रहा था ना कि मैं पहले समझता था कि ये सब जो है प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली ये प्राइमरी प्रोसेस, इनकी जो प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है, जैसे आटा है, आटा बनता है प्राइमरी प्रोसेसिंग से, है ना, पैडी से जो है चावल निकलता है प्राइमरी प्रोसेसिंग से, तो बेसिकली प्राइमरी प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं ये। बाकी जो इनकी बिस्किट बनते हैं या फर्दर जो प्रोडक्ट्स बनना है वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग है। वो तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे।